ऋतिक क्या हुआ बेटा? पार्टी हो रही है, खुशियों का माहौल है, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़े हो? और देखो अगर मेरी बहू को अकेला छोड़ा ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। चलो मेरे साथ। नहीं मां। चलो मेरे साथ। और तुम यहाँ अकेली क्यों खड़ी हो? मेरे बेटे ने कुछ कह तो नहीं दिया ना? अगर ऐसी बात है तो बोलो, अभी क्लास लेती हूँ इसकी। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर ये क्या, हम अकेले तुम अकेले? देखो सब डांस कर, और मैं चाहती हूँ तुम दोनों भी डांस करो बेटा। चलो बेटा। हाँ तो ऋतिक मेरी बात सुन, मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं डाल रही, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सलामत से रहो, हिफाजत से रहो। ऋतिक जैसे मुसीबतों में तुमने मेरा साथ दिया, मैं वही साथ देना चाहती हूँ, प्लीज मुझे देने दो। मुझे मेरे परिवार के खिलाफ करके तुम मेरा साथ दे दिया, ये कैसा साथ है शिवन्या? फिर तो मुझे चले जाना चाहिए ऋतिक, अगर मैं गलत हूं तो मेरा यहां रहना सही नहीं, मैं इस घर से चली जाऊंगी और फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा भी नहीं दिखाऊंगी, ये मेरा वादा है तुमसे। बस एक बार मुझे गलत साबित कर दो, मैं यहां से चली जाऊंगी। ऋतिक एक बार उस नागमणि के बारे में पूछ तो लो, एक बार उस मणि को देख तो लो, मैं जानती हूं कि मैं गलत नहीं हूं। ऋतिक मेरी बात मान लो, प्लीज मेरी बात मान लो, मेरी विनती है तुमसे। अब इसका क्या करोगी? आपको तो मोरनियों की बस्तियों में होना चाहिए, मन बड़ा मचलता है आपका। अब देखिए मैं इसका क्या करती। बहू कहाँ है आपकी? बहू कहाँ है आपकी? चाहिए, देखिए उसे, उसका असली रूप जाकर देखिए, आज वो आपको नजर आ जाएगी। आज तक जो थी वो नहीं थी, आज जो है वो वही है, वो नागिन है नागिन। और मैं उसकी दुश्मन, खूबसूरत दुश्मन। दुश्मन को देखिए, दुश्मन ही देखिए, मोर मोर मोरनी मोरनी हूं मैं।
अचानक मुझे क्या क्या हो रहा है? ना तो आज चांद है, ना ही चांदनी रात है। मेरा ये नागिन रूप क्यों आ रहा है? ये क्या हो रहा है मुझे? अभी तक तो शिवन्या यही थी, कहाँ चली गई? इस सांप को मैं जितना डर पाऊंगी उतना डर तुझे होगा शिवान्या। ये हैरानी, ये परेशानी, ये पसीना, वो खूबसूरत हसीना आपकी बेचारी बहू नागिन निकली, उसका रूप उड़ गया और आपका रंग। अगर मैं उसका रूप पहले देख लेती तो मैं भी उसका रंग उड़ा ही देती। तो जाइए उड़ाइए उसका रंग, कहीं आपको एक फूंक में उड़ाना दे। मुझे डरा रही हूँ तुम? नहीं, चता रही हूँ, मैं मयूरी। तो मयूरी हो तभी तो पहचान पाई कि वो नागिन है, वरना जो तुम्हारी फितरत है ना वही मेरी। अगर मैं जान जाती तो मैं भी उसकी जान ले ही लेती। अच्छा, इस उम्र में इतनी अदा, मैं तो फिदा हो गई। अब आप भी थोड़ा मुझ पर फिदा हो जाइए, क्योंकि जो गुरु माँ ने तुम्हें ये शक्तियाँ दी थी, उन्हीं शक्तियों की वजह से आज तुम ये पहचान पाई कि मेरी बहू नागिन है। जो कोई और नहीं पहचान पाया, जो इस घर का प्यार सबकी सहेली थी, वही इस घर की सबसे बड़ी पहेली थी। नागिन आस पास थी, दिलों में, रिश्तों नातों में, जिसे मैंने पहचान लिया और कोई नहीं पहचान पाया। मेरी अपनी बहू नागिन? कभी सोचा नहीं था, कभी माना नहीं था। अब तो मान लिया ना, मैंने साबित कर दिया आपके आंखों के सामने। है मयूरी, नागिन की जानी दुश्मन, नागिन मेरे सामने आए और मेरी नजर में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपने कहा था दो नागिन है, दोनों को आपके सामने ला दिया, दोनों का चेहरा दिखा दिया, लेकिन आप तो बहुत शक्तिशाली है ना। अब बताइए आप क्या करेंगी दोनों का? अब मैं जो करने वाली हूँ वो तो तुम सोच भी नहीं सकती। ये दोनों नागिन मेरे साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे इतने दिनों से। बचपन में बहुत खेल खेल लिया, अब तो जवानी में फिर से। जवानी में बुढ़ापा और बुढ़ापे में जवानी आ ही जाती है। अब आगे का खेल मैं खेलूंगी और तुम दोबारा इस मंगलसूत्र को अपने मुंह में डालकर चबाते मत रहना। अभी इतना ही काफी है, अब अपने इस किरदार को साइलेंट में डालना, क्योंकि अब मैं वॉयलेंट होने वाली हूँ। आगे का खेल मैं खेलूंगी, कैसे खेलूंगी देखते रहना मयूरी। तू मयूरी तो मैं शोरनी।
ये क्या हो गया था मुझे? मेरा नागिन रूप क्यों आ गया था? बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे जैसे कोई हो आसपास मेरे पास, कुछ अजीब सी शक्ति जो दिखाई नहीं दी पर अपना असर दिखा गई। शिवन्या, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हें क्या लगा कौन आया है? मैं आई हूं तुम्हारी सास। तुम यहां अकेली क्यों खड़ी हो? खुश रहो, चलो नीचे चलो। मैं समझ गई कि ऋतिक ने तुमसे कुछ कह दिया। अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ, मैं उसकी क्लास लेती हूँ। चलो चलो मेरे साथ चलो। नीचे आओ ना बेटा। क्या हुआ? माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं ऊपर चली आई। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं खाया है ना? अब मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गई हूँ। अपनी बहू के बारे में मैं ही तो जानूंगी ना। चलो बेटा, नीचे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मेहमानों का इतना ख्याल रखती हो तुम, अपना ख्याल रखना भी तो सीखो। सबके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हो तुम, है ना? अब मुझे भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। चलो मेरी बच्ची, चलो मेरे साथ, चलो।